दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाइपर ओएस एंड MIUI का एक बहुत ही अमेजिंग कस्टमाइजेशन। अब ये वाली देखो ट्रिक जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप किसी भी MI के फ़ोन में अप्लाई कर सकते हो जिसमें MIUI का वर्जन है एंड हाइपर ओएस में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो होम स्क्रीन आपके सामने कुछ ऐसे देखने को मिलती है एंड लॉक स्क्रीन की बात करें उसमें भी आपको डिफरेंट टाइप के न्यू विजिट के साथ 4 डिफरेंट टाइप की स्टाइल देखने को मिलेगी एंड वॉलपेपर को आप ऐड कर पाओगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, लाइक कर देना। अब देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने इसी चैनल पे एक बहुत ही अमेजिंग लॉर्ड शिवा का कस्टमाइजेशन अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके वॉच कर लेना। इस वीडियो की बात करते हैं। अब देखो इस कस्टमाइजेशन को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो कस्टमाइजेशन को क्रिएट करने से पहले मैं आपको लॉक स्क्रीन दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे देखने को मिलती है। जैसे आप लॉक स्क्रीन को ऑन करते हो आपके सामने कुछ इस टाइप की विजिट देखने को मिलेगी, साथ ही एक एनिमेशन आपके सामने क्रिएट होता है रेन वाला एंड स्टार वाला, आपको मैं दिखाता हूं। आप देख सकते हो कुछ ऐसा एनिमेशन यहां पे क्रिएट होता है। अब यहां पे मैंने कस्टम वॉलपेपर अप्लाई कर रखा है, आप चाहो तो डेप्थ वॉलपेपर को भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ इस टाइप के आपके सामने देखने को मिलेगा। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन के बारे में, तो होम स्क्रीन आपके सामने कुछ ऐसे देखने को मिलती है। यहाँ पे एक डिफरेंट विजिट देखने को मिलती है, उसी के साथ आप देखोगे न्यू आइकन्स आपको देखने को मिल जाता है। कंप्लीट यहाँ पे सिस्टम आइकन्स एंड जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो सभी चेंज हो जाएंगे। आप देखो कंट्रोल पैनल भी आपके सामने यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा एंड टॉप में आप स्टेटस बार देख सकते हो, ये भी कंप्लीट चेंज हो जाता है एंड जो टॉगल्स है वो भी आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं एंड टॉगल्स में आपको देख सकते हो जो शेप है वो काफी ज्यादा सुपर देखने को मिलती है। सिस्टम UI यहाँ पे चेंज नहीं होगा बट जो आपको वॉल्यूम बार देखने को मिलता है वो आपको iOS के जैसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे फीचर्स ऐड करके दिए जाते हैं। अब देखो बात करते हैं इन सभी फीचर्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करना सिंपल है, आपको 2 थीम्स डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करोगे उसके बारे में बात करते हैं। तो थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है DW। अब यहाँ पे पहले आप नेम देख सकते हो, ये वाला नेम आपको टाइप करना है। अब देखो जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने काफ़ी सारे थीम्स देखने को मिलेगी, हाइपर ओएस में डिफरेंट थीम्स देखने को मिलेगी एंड MIUI में डिफरेंट थीम्स देखने को मिलेगी। अब देखो मैं आपको बता दूं हाइपर ओएस में एंड MIUI में दोनों में आपको ये वाली थीम देखने को मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लेना। आप यहाँ पे नेम देख सकते हो, ये वाला नेम आप जैसे टाइप करोगे आपके सामने थीम ओपन हो जाएगी। कैसे सर्च करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो फर्स्ट नंबर की थीम ये वाली डाउनलोड कर लेना, उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको एक थीम और देखने को मिलेगी। अभी देखो मेरे स्मार्टफोन में MIUI वर्क कर रहा है तो आपको MIUI में ये वाली थीम डाउनलोड करना है। अब देखो हाइपर ओएस में आपको क्या करना है, एजिट 77 V12 की जगह आपको V15 टाइप करना है एंड कंप्लीट नेम आपको ये वाला टाइप करके बस लास्ट में आपको V12 की जगह V15 टाइप करना है एंड आपके सामने ये वाली थीम ओपन हो जाएगी हाइपर ओएस में। दोनों में आपको ये वाली थीम डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको देखो कैसे अप्लाई करना है, तो पहले नंबर पर आपको ये वाली थीम अप्लाई करना है, कंप्लीट इसको अप्लाई कर देना, कुछ भी कस्टमाइज मत करना। एंड सेकेंड वाली थीम को आप जैसे डाउनलोड कर लोगे इस वाली थीम को, तो डाउनलोड करने के बाद आपको कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको ओनली लॉक स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करना है एंड कंप्लीट आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। देखो रेडी होने के बाद आपको थोड़ा और कस्टमाइज करना पड़ेगा, कैसे करोगे उसके बारे में बात करते हैं। तो बैक करना, बैक करने के बाद माई अकाउंट में आ जाना, लॉक स्टाइल के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कस्टमाइज का ऑप्शन। आप देखो कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉलपेपर स्टाइल वाला ऑप्शन, तो अभी मैंने कस्टम वॉलपेपर अप्लाई कर रखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डेप्थ ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हो। 5th नंबर पे आपको ये वाला फीचर देखने को मिलता है तो इसको आप यूज कर लेना। अब देखो टैप करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंसर्ट कस्टमाइज वॉलपेपर, तो यहाँ पे टैप करके जो भी आप वॉलपेपर ऐड करना चाहते हो आप इजीली ऐड कर सकते हो। अगर मेरा वाला वॉलपेपर यूज करना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे तीनों ही वॉलपेपर मैं शेयर कर दूंगा। बस इसके ऊपर टैप करके गैलरी से कोई भी वॉलपेपर पिक कर लेना। कस्टम में आपको देखने को मिलता है JPG एंड PNG फॉर्मेट वाला, तो यहाँ पे टैप करके इसको ऐड करना। आप देखो मैंने आपको बताया था 4 डिफरेंट टाइप की विजिट स्टाइल देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे टैप करके आप जो भी आपको पसंद आती है वर्टिकल या फिर होरिजेंटल आप इसको ऐड कर सकते हो। बस ये 2 आपको फीचर देखने को मिलते हैं एंड जो भी आपको इफेक्ट ऑन करना है आप ऑन कर सकते हो। एंड होम स्क्रीन में मैंने एक डिफरेंट वॉलपेपर यूज़ कर रखा है, डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सभी वॉलपेपर मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और डिफरेंट टाइप के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।